हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, और साथ में हम वो पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि भाई हमारे कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, तो पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है। साथ में जितना जियोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, मतलब जो लैंड वाला एरिया है, वो उसमें से 2.5% ऑक्यूपाइड करता है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का तो 17% और टोटल एरिया का 2.5%। तो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है। नाउ अब एक फैक्ट और है इसके साथ साथ कि हमारे यहाँ जो पुअर पीपल्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं, वो लगभग आज के टाइम में हमारी टोटल पॉपुलेशन का 21.8 या 22% के आसपास है, जो कि आज भी स्ट्रगल करता है फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए। और लेट वी डिस्कस सम पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज़। नंबर वन, नेचुरल इंडोमेंट इज़ गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड, एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। तो यहाँ पर बताया कि जो नेचुरल इंडोमेंट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सेसिवली, मतलब जितना उनका जो रेट है रीजनरेशन का, उससे जो एक्सप्लॉयटेशन का रेट है वो कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर हम अगर ट्रीज़ की बात करें तो जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आज के टाइम में, उतने स्पीड से एफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, मतलब उतने स्पीड से हम पौधारोपण नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी वेस्ट और गारबेज हम प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ये उससे बियॉन्ड हो चुका है, मतलब उससे ज़्यादा हो चुका है। तो अब एनवायरनमेंट भी एक तरह से वेस्ट को या गारबेज को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर पीकिंग अप द अलार्मिंग लिमिट्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और यही एक मेन रीज़न है हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। नाउ लेट वी डिस्कस द वन मोर इश्यूज़, जिसको हम कहते हैं द डिकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। डिकोटोमी मीन्स होता है विचित्रता। हमारे यहाँ एक विचित्रता है, और विचित्रता ये है कि भाई क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स या पॉलिसीज ला रही हैं जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, डिग्रेड कर रही है। और साथ में जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल्स का, वो कम होने की बजाय इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जब पॉवर्टी कम नहीं हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। वो कैसे अफेक्ट करती है, लाइक पहले हम यही पॉइंट आउट करते हैं कि क्या डिकोटोमी है। देखिए, पॉवर्टी इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज़। ये हमने जो कॉजेज पढ़े थे उसमें हमने माना था कि ये एक प्रिंसिपल कॉज है, मेन कॉज है। इट इज़ ओइंग टू पॉवर्टी डैट ट्री फेलिंग बिकम्स ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन। अब क्या होता है कि जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको लगता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लेकिन अगर वो ट्रीज़ वगैरह काटेंगे तो ये उनके लिए एक तरह से अर्निंग ऑफ मनी होगा। वो उसको खुद के लिए फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको सेल कर सकते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको ट्री फॉल करते हैं और उसको लकड़ी को ले जाके वो मार्केट में सेल करते हैं। तो नाउ फॉर
फॉर द मिलियन ऑफ पुअर पुअर इन रूरल एरिया, यही बताया गया है कि ये एक इकोनॉमिक कंपल्सन है फॉर द मिलियन ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज, बट लेकिन इससे हो क्या रहा है, इट लीड्स टू डीफॉरेस्टेशन और ये एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेड हुआ है, चाहे वो फिर वो एयर पोल्यूशन हो। तो जो अभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें से काफ़ी वेस्ट मटेरियल जो फ्लो कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, तो उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को तीनों तरीके से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, तीनों तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अब इसमें थर्ड वन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, जो व्हीकल से रिलेटेड ट्रैफिक है उसका एक्सपेंशन होना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जनरेशन ऑफ नॉइज़ होता है, हॉर्न यूज़ करते हैं वो लोग, बिसाइड कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन, और साथ में वो एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। नाउ अब बात आती है हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय लेने की ज़रूरत है, कुछ मेजर्स करने की ज़रूरत है जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ग्रीन हो सके, जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस इन्वायरमेंट को हरा भरा और एक अच्छे से, एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरह फील कर सके। इसके लिए सबसे पहले है नंबर वन, दैट इज़ सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस करना, स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें बताया जाए कि जो पोल्यूशन है वो किस तरह से डेंजरस हैं हम सब लोगों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, और एक इंडिविजुअल उस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकता है या उसका जो लेवल है उसको कम करने में कैसे हेल्प कर सकता है, ये भी, इस चीज़ को लेके भी हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना होगा। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। जो डेंसिटी है, जो इंडिया का एरिया है, वो लगभग 2.5% है वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन जो हमारे यहाँ हैबिटेंट है, जो पॉपुलेशन है, वो 17% है। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी हाई है, तो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी तो हमारी जो डेंसिटी कम होगी, साथ में जो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होने से, जिससे हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। नंबर थर्ड इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में इनका स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एफॉरेस्टेशन कैंपेन, तो ये एक ऐसा एक्ट था जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। तो आज के टाइम में भी इस तरह के एक्ट या इनका जो इन्फोर्समेंट है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो आपको याद होगा, वैसे तो आपको पता होगा कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, और उस दिन ये कोशिश की जाती है हर एक स्कूल्स में या हर एक प्लेसेस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। वो एक तरह से एफॉरेस्टेशन कैंपेन को ही सपोर्ट करता है। नाउ कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, ये एक बहुत एसेंशियल है कि एनवायरनमेंट को, ये बहुत एसेंशियल है कि एनवायरनमेंट तभी प्रोटेक्ट हो सकता है जब जो इसके रीजंस हैं एयर और वाटर पोल्यूशन के, इसका मेन रीज़न आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको मैनेज या फिर कंट्रोल किया जाए। साथ में जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करना चाहिए, या फिर इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, रिवर वाटर शुड बी कैप्ट क्लीन एंड प्रोविजन बी मेड बाय टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल पीपल। तो वाटर मैनेजमेंट में यह होगा कि भाई रिवर वाटर को ये कोशिश की जाए कि वो क्लीन रहे और
ये प्रोविज़न भी होना चाहिए कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उन सारे रूरल एरियाज़ में क्लीन वाटर या ड्रिंकिंग जो वाटर है वो सप्लाई हो, प्रॉपर सप्लाई हो। तो ये वाटर मैनेजमेंट होने भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या हो सकता है? ये इंक्लूड करता है गारबेज को या फिर स्लज को, जो डोमेस्टिक मटेरियल्स या डोमेस्टिक मटेरियल्स होते हैं, और साथ में ये इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर वेस्ट्स को भी। तो ऐसे वेस्ट का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसको इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, कि रिलेटेड टू केमिकल मतलब इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना किया जाए, पहले इसको केमिकल्स ट्रीटमेंट देके इसको नॉन सॉल्यूबल किया जाए और उसके बाद इसे रिलीज़ किया जाए। ये तो हो गया अर्बन एरियाज़ के लिए। और रूरल एरियाज़ में क्या करना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट या फिर मैन्योर तैयार की जा सकती है। तो रूरल एरियाज़ में सजेस्ट किया जाए कि जितना भी वेस्ट है उसको एक जगह कंपोस्ट करके उससे मैन्योर बनाया जाए और उसको एज ए फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। तो हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। हाउस जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो स्लम्स हैं मतलब जो गंदगी है वो जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर एक अच्छे और वेल डेवलप हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करना चाहिए। और ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अगर हम ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में या इनको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, मतलब उसकी दुर्दशा या उसका पतन, डिग्रेडेशन होता है पतन होना या उसकी दुर्दशा होनी, उससे बचाना है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस देनी होगी। और क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो आज भी हमें स्लम डॉग्स के नाम से पुकारती है। स्लम डॉग्स मतलब ऐसे लोग जो स्लम एरिया में रहते। तो हमारे यहाँ काफ़ी एरिया है जो स्लम से बिलोंग करता है। सो डेट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।